आपने देवी देवताओं के मंदिर तो खूब देखे होंगे जहां लोग देवताओं को पूजते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां देवी देवताओं की नहीं बल्कि कुत्ते की पूजा होती है? बुलंदशहर से 15 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद में कुत्ते का एक ऐसा मंदिर है जहां हजारों लोग शीश नवाते हैं। इस मंदिर में कुत्ते की कब की पूजा की जाती है। होली दीपावली को यहाँ मेला लगता है। सावन और नवरात्रों में भंडारा होता है। मान्यता है कि यहाँ भक्तों द्वारा मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। बताया जाता है कि करीब 100 साल पहले इस मंदिर में लटूरिया बाबा रहते थे और उनके साथ एक कुत्ता भी रहता था। लटूरिया बाबा के पास बहुत सिद्धियां थी, लेकिन बाबा को आंखों से दिखाई नहीं देता था। बाबा को अगर कोई सामान मंगाना होता तो वो अपने कुत्ते की मदद लेते थे। उनका ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो ही बाबा का हर काम पूरा करता था, जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यही सच है। कहा जाता है कि जब बाबा ने समाधि ली तो उसके 72 घंटे बाद कुत्ते ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। कहा जाता है कि लटूरिया बाबा ने प्राण त्यागने से पहले अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि भविष्य में जब कभी उनकी पूजा हो तो उनसे पहले उनके भक्त स्वरूप कुत्ते की पूजा भी होनी चाहिए। मंदिर में बाबा के साथ साथ कुत्ते की भी समाधि बनाई गई। बताया जाता है कि कुत्ते के पैर में काला धागा बांधने से यहाँ मांगी गई मुराद पूरी हो जाती है। ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है, ये जगह हमारे पूर्वजों ने दान दी जगह है। तो बाबा जी आए यहाँ पे, तो बाबा जी देख रहे थे, ये काफी सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। तो बाबा जी ने कुत्ता पाला था, तो बाबा जी का जब शरीर पूरा हुआ तो बाबा जी को जब बाबा जी ने समाधि ली तो कुत्ता समाधि में कूदा। समाधि में जब कुत्ता कूद गया तो 2-4 दिन बाद कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया। तो दोनों की समाधि बराबर में बनाई गई है, बाबा के बराबर में कुत्ते जी की समाधि बनाई है। यहाँ पर होली दिवाली में बहुत इनकी बहुत मान्यता होती है, बहुत पूजा होती है, मेला भी लगता है। और होली पर जैसा होली का त्यौहार आ रहा है तो यहाँ पर चादर को भेली इनका प्रसाद चढ़ा जाता है। तो इतवार के दिन इनके प्रसाद चढ़ता है, जैसे हर इतवार को पब्लिक आते बहुत दूर से, जैसे कि आदमी यहाँ से मेरठ से लोग आए थे, अभी प्रसाद चढ़ा गए भेली प्रसाद वगैरह यहाँ पर रोजाना लोग आते दर्शन ना दर्शन डेली भीड़ लगी रहती है सुबह शाम। वैसे सुबह शाम आते पर इतवार के दिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पर।